निकल करके आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर के, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, जिस चीज का इंतजार हर एक भारतवासी अपने घर के छत के नीचे बैठ बैठ कर कर रहा था। फाइनली ऑस्ट्रेलिया भी उस दिन के लिए तैयार हो गया है। और वास्तव में क्या है, पूरी खबर बने रहिए वीडियो में। अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने वास्तव में क्या बयान दिए हैं, वह भी आपको सब कुछ सबूत के साथ दिखाएंगे। और कब है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप दोबारा कब खेला जाएगा, वह तारीख भी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो इसलिए इस पूरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको वास्तव में एक भारतीय होने पर गर्व होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस खुशखबरी को अब खुद आईसीसी के प्रेसिडेंट ने दे दिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच में बेईमानी करी थी और इसके सबूत अब हम सभी के सामने आ चुके हैं, जिसके बाद आईसीसी के बाद जब यह फैसला पहुंचा तो उन्होंने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ ली है। तो चलिए बताते हैं क्या बोला आईसीसी प्रेसिडेंट ने। लेकिन अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले में तीन इंडिया ने 240 रन बनाए थे और जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट भी गिरा लिए थे। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 विकेट से मुकाबले में जीत हासिल कर ली। लेकिन मैच के बाद ही विवाद काफी ज्यादा खड़ेड़ा हुआ था कि अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने लघुशंका को आउट नहीं दिया, जबकि वह LBW आउट थे। उसको भी हार का कारण माना गया है। लेकिन उसके बाद इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रेविस हेड ने जब रोहित का कैच पकड़ा था तो उनके हाथ से गेंद छुट्टी हुई नजर आ रही है, जिसको देखने के बाद हर किसी का गुस्सा जमकर फूटा। लोगों को यकीन है कि रोहित शर्मा को अगर उस समय मौका मिल जाता और वह एक बढ़ी पारी खेल सकते थे, क्योंकि जिस तरह की वह लय में थे, उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी पानी भरते हुए नजर आ रहे थे।